हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन लेकर के आई हूँ वो बीएड जो है, वन ईयर का बीएड जो किया गया है उससे रिलेटेड है। आप लोग के क्वेश्चन मेरे पास ये आ ही रहे कि ठीक है, बीएड वन ईयर का हो रहा है मैम, तो सिलेबस क्या होगा, करिकुलम क्या होगा, किस तरह से होगा। तो देखिए, एक्साइटेड तो आप लोग हैं ही, जाहिर सी बात है, वन ईयर डायरेक्टली आप लोग का सेव होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स मास्टर करके बैठे हुए हैं वो तो डेफिनेटली इसका वेट कर रहे थे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है स्टूडेंट से कि इंटर्नशिप जो है कितना होगा। तो इंटर्नशिप जैसे कि 2 साल का जो बीएड होता है उसमें कितना होता है और 1 ईयर में कितने होने के चांस है, वो सारी चीज़ें जो है आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि जब मैंने बीएड किया था तो फॉर्चुनेटली उस समय 1 ईयर का बीएड हुआ था सिर्फ 2 साल के लिए, उसी बीच में मेरा बीएड कंप्लीट हुआ है, तो मुझे 1 ईयर के बीएड के बारे में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, क्योंकि खुद से मेरा भी कंप्लीट उसी में हुआ है। सो इस वीडियो में आपके ये सारे कन्फ्यूजन को दूर करूँगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास 4 बजे इवनिंग में हमारे चैनल पर कंडक्ट करवाया जाता है, साथ ही साथ हम आपको पेड क्लास भी प्रोवाइड करते हैं। बहुत जल्द जो है यूपी बीएड एंट्रेंस का पेड क्लास हम लाने वाले हैं। तो जो लोग भी यूपी बीएड एंट्रेंस क्लियर करना चाहते हैं, वो जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है वहां पर जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाइए। चलिए बात कर लेते हैं इंटर्नशिप। सबसे पहले मैं बता दूं 2013-15 ये 2 साल, इस 2 साल में जो है 1 ईयर का बीएड किया गया था, उसी दौरान जो है मेरा बीएड कंप्लीट हुआ है। 1 ईयर के बीएड में जो है जो इंटर्नशिप होता है वो 1 मंथ का, जैसे मेरा जो हुआ था वो 22 डेज का था। तो यही है जो 1 ईयर का जो बीएड होता है उसमें इंटर्नशिप जो रखा जाएगा, जो पहले भी एक बार ट्राई किया गया था, ये तो 20 से 30 दिन का रखा जाता है। 2 ईयर्स का जो बीएड होता है उसमें रहता 2 महीने का है, मतलब कि आपको जो है 60 दिन यानी 50 से 60 दिन या 45 से 60 दिन का जो है आपको इंटर्नशिप के लिए जाना पड़ता है। तो आप कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है अपने अकॉर्डिंग कोई 45, कोई 40, कोई 35 ऐसे करके लेकर के चलते हैं। तो इस तरह से जो है वो करवाया जाता है। तो 2 साल के बीएड में जैसे कि 45-60 डेज का रखा जा रहा है इंटर्नशिप, तो वैसे आप समझ सकते हैं कि हमारा 1 ईयर का जो बीएड होगा उसमें 20-30 डेज का रहेगा। कोई जो है 22 डेज करवाएगा, कोई 25 डेज, कोई 30 डेज भी करवा सकता है। तो इस तरह से इंटर्नशिप होगा। इंटर्नशिप का मतलब, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, इंटर्नशिप का मतलब होता है कि आप लोगों को जो है दूसरे स्कूल में, मतलब आपके कॉलेज से जो है एक स्कूल को जो है हायर किया जाएगा, उस स्कूल में आपको जाकर के वहाँ के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, वहाँ पर पढ़ाना आपको आपका सब्जेक्ट जो आपका मैथड पेपर है वो पढ़ाना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आप सोशल साइंस से बीएड कर रहे हो तो आपको वहाँ पे सोशल साइंस पढ़ाना पड़ेगा। 3 पार्ट में सोशल साइंस पढ़ाना पड़ेगा। प्राइमरी के बच्चों को अलग पढ़ाना पड़ेगा, मिडिल सेक्शन के बच्चों को अलग पढ़ाना पड़ेगा, 9-10 के बच्चे को अलग पढ़ाना पड़ेगा। तो ये 3 पार्ट में जो है वो आप लोगों का दिया जाता है। तो इस तरह से इंटर्नशिप होता है। सो इंटर्नशिप से क्वेश्चन आ रहा था कि कितने दिनों का होगा, तो ये 20-30 डेज के बीच में होगा। और ये इसी तरह से जो है नियम बनाया जाएगा, अभी कन्फर्म नहीं किया गया है, ऑफिशियल नोटिस नहीं है, लेकिन जब ये 2 साल का बीएड हुआ था हिस्ट्री में तो उस समय 22 डेज, 23 डेज, 24 डेज, 20-30 डेज के बीच में ही जो है इंटर्नशिप करवाया जाता था। सो आई होप कि आपका ये कंफ्यूजन जो है दूर हो गया होगा कि इंटर्नशिप जो है कितने दिनों का होगा बीएड अगर 1 ईयर का होता है तो। सो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड और भी क्वेरीज एंड क्वेश्चन है आपके मन में तो विदाउट हेजिटेशन आप हमें इस वीडियो में कमेंट कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो करके हमें मैसेज कीजिए। डेफिनेटली आपके क्वेश्चन को जो है सॉल्व किया जाएगा या फिर आप ही के क्वेश्चन के बेस पे जो है आपको वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।